कन्नौज जिले में विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनीधीरपुर नगरिया गांव में गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम ने दबिश के दौरान लागू किए जाने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया। एक दुर्दांत अपराधी के घर दी जा रही दबिश में बरती गई चूक और अधूरी तैयारियों की वजह से एक नौजवान सिपाही की जान चली गई। सोमवार रात हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुनुआ उर्फ मुन्ना के घर जब टीम पहुंची तो पुलिस को ये पता नहीं था कि उसने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और उसके पास अवैध तमंचों के अलावा एक दो नाली बंदूक भी थी। इसी वजह से टीम ने घर को घेरा तो उसने पुलिस कर्मियों को टारगेट करते हुए फायरिंग की। बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट व बॉडी प्रोटेक्टर भी गाड़ियों में ही रखे थे। सामने से बिना आड़ लिए ही घेरने की वजह से जब हिस्ट्री शीटर पिता और उसके बेटे ने गोलियां चलाई तो सिपाही सचिन बच ही नहीं पाया और गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा आरोपी पर दो बार सिपाहियों से बंदूकें छीनने के आपराधिक इतिहास के बावजूद सिर्फ दो थानों की फोर्स के साथ ही दबिश दी गई। मंगलवार को एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने दबिश के दौरान पाई गई कमियों को देखने के बाद जोन के सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि दबिश के दौरान ज्यादा से ज्यादा फोर्स के अलावा स्वाट टीम और सुरक्षा करने वाले साजो सामान से लैस होकर ही जाया जाए। जांच में ये भी बात सामने आई है कि दबिश के दौरान जब सचिन को गोली लगी तो उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर लाने में पुलिस को मुश्किल पेश आई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आरोपी की पत्नी सीसीटीवी कैमरे से पुलिस कर्मियों की पोजीशन देखकर पति और बेटे को बता रही थी और दोनों निशाना साधकर पुलिस पर फायर कर रहे थे। इसके बाद घायल सचिन को दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र से शहर में जिला अस्पताल और फिर वहां से कानपुर की रिजेंसी अस्पताल तक लाने में काफी समय लग गया, जिसकी वजह से खून ज्यादा बहने से उसकी जान चली गई। पुलिस और प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि हिस्ट्री शीटर के पास मिली दोनाली बंदूक का लाइसेंस था या नहीं। कन्नौज और यूपी के किसी भी जिले में उसके और परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम पर लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर रही है कि लाइसेंस पूर्वोत्तर के किसी राज्य से बनवाया गया हो। चूँकि हिस्ट्री शीटर पूर्व में उन राज्यों में भी गया है और बरामद बंदूक से मिलते जुलते असलहे भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे में पुलिस अब इस एंगल पर जांच अलग से कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।